हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट सम हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड बी वर्ब शुड बी इन प्रेजेंट फॉर्म लाइक इज, एम एंड आर। दीज आर द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी वर्ब। सो we have to see the subject, whether it is singular subject or plural subject. If it is singular, then we have to use is, and if it is plural, then we have to use are. Okay, and am is used with I. So the first sentence is वह डरपोक है। वो क्या है? वो डरपोक है। कौन है वो? तो ये हो गया सब्जेक्ट आपका। और पहले हम लोग क्या करना है, ये सेंटेंस में पहले हमको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। वो डरपोक है तो वो है। पहले ये दोनों को हम ट्रांसलेट करेंगे। वो है मतलब ही इज या सी इज भी लिख सकते हैं। अगर लड़की है तो सी इज लिखेंगे, अगर लड़का है तो ही इज लिखेंगे, ठीक है। और डरपोक, डरपोक होता है कावड़ या टीमिड, आप लिख सकते हो। सो सेंटेंस हो गया आपका ही इज टीमिड, ठीक है। उसके बाद है आपका शिवम बुद्धिमान है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? शिवम, शिवम है। पहले ये दोनों को हम पहले ट्रांसलेट करें। शिवम है, शिवम इज, देन शिवम क्या है? बुद्धिमान है। शिवम इज वाइज, ठीक है। तो शिवम इज वाइज एडजेक्टिव लास्ट में हो गया। देन थर्ड वन, मेरा भाई नटखट है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई, ठीक है। तो मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरा भाई है। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो यहाँ सर्च हर जगह हम इज यूज कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट सब सिंगुलर में ही है। तो मेरा भाई, माय ब्रदर इज, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो हम यहाँ यूज किए इज। माय ब्रदर इज नॉट कट मीन्स नॉटी, ठीक है। देन आपका सेंटेंस है सूर्य चमकीला है। सूर्य कौन है? सूर्य है तो सब्जेक्ट हो गया सूर्य मतलब द सन। क्या है? चमकीला है। द सन इज, पहले तो हम ये दोनों को करेंगे। द सन इज क्या है? चमकीला मतलब ब्राइट। द सन इज ब्राइट। देन द लास्ट वन, यह आकर्षक है। यह मतलब इट, इट इज, यह है, इट इज क्या है? आकर्षक, अट्रैक्टिव, ठीक है। इट इज अट्रैक्टिव। तो ये सब जितने भी सेंटेंस हम देखे, सब्जेक्ट सब में सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हम जो बी वर्ब लगाए सब में इज लगाए। अगर हम आई लिखते, अगर हम बोलेंगे आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूँ, आई एम, हम बोले थे आई के पास आम ही बैठेगा, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, ठीक है। अगर हम लिखेंगे वे लोग चालाक हैं, वे लोग मीन्स दे आर, दे के पास क्या होगा? आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। दे आर वे लोग हैं, क्या है? चालाक, दे आर क्लेवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस का, जो हिंदी सेंटेंस को हम इतना इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। हमको सेंटेंस को देखना है क्या है सेंटेंस में, और उस हिसाब से हमको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। थैंक यू।